चलिए, तो ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे कोई चैप्टर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा कॉमन कॉन्सेप्ट है जो सब जगह इस्तेमाल होता है ना? कॉमन कॉन्सेप्ट है जो सब जगह इस्तेमाल होता है। देखा जाए तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तो नोमेनक्लेचर भी इसी के अंदर आता है, सब कंपाउंड का नाम। कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी तो वर्ल्ड फेमस बुक हो, सोलोमन्स है या फिर पॉला ब्रूस है या फिर मॉरिसन ब्रॉयड है, तो सब में पढ़ाते समय क्या करते हैं कि तीन पार्ट में चैप्टर को पढ़ाते हैं। एक पार्ट नोमेनक्लेचर बताएंगे, दूसरा पार्ट उसके अंदर ही उसका रिएक्शन पढ़ाएंगे, और तीसरा पार्ट उसी के अंदर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएंगे। तो कई चीज फिर अनजान हो जाता है, सिस्टमेटिक नहीं होता है। धीरे धीरे लोग कुछ कुछ टाइम बिताए और सिस्टमेटिक किए, सिस्टमेटिक करके देखे कि नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है जो कॉमन है सबके लिए, तो सबको एक जगह पढ़ लो, सब जगह अप्लाई करेंगे। नोमेनक्लेचर के अलावा फिर आइसोमेरिज्म भी सबका अलग अलग होता है, लेकिन सब में कॉमन फैक्टर है, तो आइसोमेरिज्म भी एक ही साथ पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या पढ़ते हैं? तीसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, केमिकल बॉन्डिंग होता है बेसिकली। केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सारा एक्सटेंशन है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसमें कई पॉइंट निकल के सामने आता है। एक पॉइंट तो निकल के आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करके। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड को या तो नॉन पोलर और नहीं तो पोलर में बांट सकते हो। जो पोलर बॉन्ड होता है वो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होता है। डाइपोल मोमेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। डाइपोल मोमेंट अगर पढ़ चुके हैं तो इसी में कहते हैं कि ये कार्बन और कार्बन का अगर चेन हो, इसके साथ अगर कोई खींचने वाला है, तो ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी बढ़ जाता है, रिलीजिंग में भी और विथड्रॉइंग में भी। इसी से नाम आता है इंडक्टिव इफेक्ट, यही ना है। अब बहुत सारा प्रॉपर्टी है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, चार कार्बन तक लगता है। दूसरा फिर लोगों ने देखा कि ऑर्बिटल ओवरलैप एडजेसेंट पोजीशन पे होके पाई बॉन्ड इधर से उधर मूव करने लग जाता है, लोन पेयर भी इधर से उधर मूव करने लग जाता है, और ऐसे प्रक्रिया को मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, या फिर इसी को रेजोनेंस भी कहते हैं। फिर लोगों ने देखा कि सी एच बॉन्ड बहुत हल्का होता है, सबसे हल्का न्यूक्लियस किसका होता है? हाइड्रोजन का। सी एच बॉन्ड अगर कहीं पे लोन पेयर के थ्रू जुड़ा हुआ है तो लोन लोन पेयर इधर उधर होने से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इधर उधर हो जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर अगर कार्बन रहेगा तो कार्बन तो भारी भरकम है, लोन पेयर इधर उधर नहीं हो सकता क्योंकि इधर ही बांधा उधर ही बांधा हुआ है। जैसे मान लो कि तुम एक रस्सी में ऊपर बलून बांध दिए, तो रस्सी को इधर उधर करोगे तो बलून भी इधर उधर होगा, लेकिन रस्सी को ऊपर कुछ बहुत भारी चीज से बांध दिए तो रस्सी को इधर उधर करोगे तो भारी चीज इधर उधर नहीं होगा। तो सी एच बॉन्ड का खासियत है कि हाइड्रोजन बलून की तरह ऊपर रहता है, इधर के लोन लोन पर खींचना चाहे तो हाइड्रोजन भी हल्का इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऊपर में अगर कार्बन है, क्लोरिन है, ब्रोमिन है तो वो इधर उधर नहीं होता है। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ सी एच बॉन्ड, किसका? सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ सी एच बॉन्ड बहुत अलग रिएक्ट करता है, और इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइपर कंजुगेशन, एक्सट्रीम टाइप का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एक होने लग जाता है, और उससे आ जाता है एरोमेटिसिटी।
और एक्सट्रीम टाइप का अनस्टेबल भी हो जाता है, एंटी एरोमेटिक, है ना। इन सब का इफेक्ट हम लोग देखते हैं। कोई एसिड अगर है मान लो, जैसे CH3COOH है और H+ डोनेट किया, तो COO- बनेगा। जितना स्टेबल है कंजुगेट बेस होगा उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, और इसका एसिडिक का स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा। तो एसिडिक का स्ट्रेंथ भी मेजर करना हम लोग सीख चुके हैं। चौथा, कोई लोन पर कितना अवेलेबल है। जैसे मान लो कि एक CH3CH2NH2 है और दूसरा इस टाइप का NH2 है, जहाँ पे लोन पेयर होता है उसको बेस कहते हैं। ये लोन पेयर तो अवेलेबल है लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बदल जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ कुछ ऐसा हो जाएगा। कुल मिला के हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें से एक तो नाम लिखने का होता है, एक आइसोमेरिज्म का होता है, एक फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग थ्रू ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, एक थ्रू सिग्मा बॉन्ड जो कि CH बॉन्ड का है वो हाइपर कंजुगेशन से होता है, होते होते एरोमेटिसिटी होता है, इसके बाद फिर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, लोन पेयर कैपेबिलिटी, ये सारा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं GOC 1 में। जो भी हम लोग अब सवाल करने वाले हैं इन्हीं सब से रिलेटेड होगा। अगर ये वाला आता है तो तुम हर रिएक्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने में सक्षम हो, ये नहीं आता है तो रिएक्शन में तुम दिमाग नहीं लगा पाओगे। तो बोर्ड के लिए तो बिना दिमाग लगाए भी हम लोग रिएक्शन को याद कर सकते हैं कि हाइपर, अभी जैसे हमने 4 रिएक्शन पढ़े तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाए, उसमें खाली हम लोग स्ट्रेट तरीके से पाई बॉन्ड को हटा दिया, स्ट्रेट तरीके से OH जोड़ दिया, स्ट्रेट तरीके से हैलोजिनेशन करवा दिया, नंबर ऑफ हैलोजिनेशन ऐसा हम लोग पढ़ लिए। लेकिन अब हमको हर जगह कंपेरिजन करना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन ऐसा हुआ तो दूसरे वाले में थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमको जानना पड़ता है। इस पे आधारित कुछ तो सवाल कितना था, 30 है, कितना है, 30 सवाल तुमको हम भेजे थे करने के लिए, लेकिन तुम किए नहीं होगा क्योंकि हम भेजे ही थे रात में। कर लिए, कितने लोग कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 No. इसलिए लड़कियां आजकल टॉप कर रही है IAS ऑफिसर बनने में, लड़के गधे होते जा रहे हैं। किसी ने नहीं किया ना, देखो ये लोग सब कर ली, 7 8 लड़कियां ही किए, लड़का लोग कोई नहीं किया है। तुम लोग किए हो, हाथ नहीं खड़ा किया, कौन कौन और किया लड़का में से, अरे झूठ भी बोल दो। एक विपिन किया है, और नहीं, चलिए तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। मास्टर को हायर किया है तो इसलिए तो दिया था कि हम नहीं करेंगे तो मास्टर हमारा करके मेरे लिए सब करेगा ना, मास्टर गाइड हायर करते हैं इसलिए तो। चलिए तो दिखाई पड़ रहा है पीछे से, पड़ रहा है। चलिए पहला सवाल है, स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, पहला सवाल है स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड फॉलोइंग एल्कीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, किस बात पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड। स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड कुछ नहीं होता, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भले होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे कैसे देखते हैं, दो तीन फैक्टर है, एक तो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, रेजोनेंस नहीं हो रहा है देखेंगे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं, ये तो दो फैक्टर है हमको पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। तो बेसिकली इनमें किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो कुल मिला के तुमको हाइपर कंजुगेशन ही चेक करना है। तो अल्फा हाइड्रोजन पहले में कितना है, पहले में 6 है, दूसरे में 12 है, तीसरे में 6 है, चौथे में कितना है, 9 है,
मोस्ट स्टेबल कौन होगा? सेकेंड वाला। उसके बाद कौन होगा? फोर्थ वाला। उसके बाद कौन होगा? कौन सा? थर्ड वाला। अच्छा, थर्ड और फर्स्ट में कैसे पता करोगे? देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया, एक कॉन्सेप्ट आ गया कि इन दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, CH3 इनफैक्ट। और ऐसे कर लेते हैं, इसका भी तो दो बनेगा ना, सीस और ट्रांस बनेगा ना, इसका एक बना लिया हमने सीस और एक बना लिया हमने ट्रांस। अब देखो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन छे है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन छे है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन छे है, इन दोनों में तो तुरंत तुम पता बता दोगे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस। यहाँ तो हमने कह दिया कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस, लेकिन अब इन दोनों में पता करना है हमको, इसमें भी छह अल्फा हाइड्रोजन और इसमें भी छह अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन देखो क्या फर्क है। हाइपर कंजुगेशन इसमें कैसे होगा? ये जो सी एच बॉन्ड है वो उस तरफ जाएगा कि नहीं, और इसका सी एच बॉन्ड किस तरफ आएगा? उल्टा आएगा, दोनों का अपोज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, दोनों एक ही तरफ जा रहा है। ये सपोर्टिव हाइपर कंजुगेशन है और ये अपोजिंग हाइपर कंजुगेशन है। सपोर्टिव हाइपर कंजुगेशन ज्यादा अच्छा होता है अपोजिंग हाइपर कंजुगेशन से, लेकिन तब देखते हैं जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर होता है, तो क्या हो गया बेसिकली, थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ऐसा है ऑप्शन, कौन सा होगा आंसर? हाँ, सेकेंड मोस्ट स्टेबल, तब फिर फोर, तब फिर थ्री, तब फिर वन, तो आंसर हो गया वन। समझ गए? चलिए एक एक सवाल अल्टरनेट करके बनाएंगे, एक हम एक तुम, एक हम एक तुम। चलिए क्वेश्चन नंबर टू बनाइए। हाँ इसमें अच्छा अपोजिंग इसलिए है ना कि इसमें देखो ना CH3, थोड़ा सा बता ही देते हैं इसमें। देखो सवाल है कि यहाँ पे CH3 है और ए वाला भी CH3 है। ये जो CH बॉन्ड है हाइपर कंजुगेशन अगर करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर खुलेगा, और इसका CH बॉन्ड अगर हाइपर कंजुगेशन करेगा तो इसका अगर हाइपर कंजुगेशन इधर करेगा तो क्या होगा? देखो जरा ये इधर खुलेगा, देख रहे हो, ये इधर इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश कर रहा है, इधर इधर इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश कर रहा है, इस केस में क्या होगा? ये इधर इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश कर रहा है, ये वाला दोनों एक ही डायरेक्शन में करवाने को, जिसमें देखो एक क्रॉस कंजुगेशन होता है, जैसे मान लो कि ऐसा हो गया सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, कितना रेजोनेंस में हो रहा है? दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसी को हम बदल देते हैं ऐसे सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री, है ना? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो ये सब एक जो रेजोनेंस है ना, है कि नहीं? और इन सब में कैसा है, ए यहां से आके इधर आके रुक गया और ए वाला फिर यहां से आके इधर आके रुक गया, ये कंटिन्यूटी में है, कैसे साइक्लिक रेजोनेंस होने में स्टेबिलिटी को बढ़ जाता है। यहाँ पे कैसे है, स्ट्रेट है, और यहाँ पे ए बीच में, इधर से भी इसके साथ कर रहे हैं, फिर इसके साथ कर रहा है, लेकिन ये दोनों इसके साथ कर रहा है ना, तो बेसिकली एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं होता है इसमें, उसी तरीके से हाइपर कंजुगेशन भी काउंट करते हैं। चलिए दूसरा सवाल कीजिए। हाँ दूसरा सवाल कीजिए।
इतना समय नहीं है। तो दूसरा सवाल में पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंपाउंड, किसने बनाया क्या? किसने नहीं, डाउट है। अच्छा, बाकी और किससे? अभी अभी सोचे तो देखो, इस सवाल में क्या है, सवाल में है, एक तो पहले तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में सारा बॉन्ड कैसे होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, नहीं तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नहीं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सब के सब बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग बराबर होता है, उसके बावजूद भी इनमें से एक कंपाउंड ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा पोलर होता है, बिल्कुल आयनिक कंपाउंड जैसा बिहेव करता है। लोगों को चौंका दिया होगा। जैसे पहला हम देखते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड ऐसे करते हैं, ये 5 मेंबर रिंग हो रहे हैं। कितना मेंबर रिंग? 7 मेंबर रिंग, 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग आता है ना, है भूल गया होगा बचपन में पढ़ा होगा। देखो तो इसमें क्या है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन, सब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये मॉलिक्यूल, अब देखते हैं क्या होता है, जैसे रेजोनेंस होगा क्या, सब अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, ए बी अल्टरनेट, ए बी अल्टरनेट, सब अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। अगर कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड टूटा, इस तरीके से अगर पाई बॉन्ड टूटा तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो पार्ट है रिंग का, एक अलग हिस्सेदार बन गया और ये पार्ट एक अलग हिस्सेदार बन गया। देख रहे हो, नेगेटिव चार्जेस में रेजोनेंस करेगा, यहाँ आएगा यहाँ आएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्जेस में रेजोनेंस करेगा, यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा। ये पूरा सिस्टम कैसे बन जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बोलेंगे क्या कि ये पाई बॉन्ड सब जगह और निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे अगर बनाएंगे तो पाई बॉन्ड कैसा है, इसके अंदर घूमता रहेगा और इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो नहीं होगा एक डाइपोल जिसमें प्लस चार्ज इधर है और माइनस चार्ज इधर है, तो एक बढ़िया सा डाइपोल बन गया। और ऐसा बनता है, साइंटिस्टों को देख के अजीब लगा होगा कि ये हाइड्रोकार्बन एकदम सॉल्ट जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है। बाद में एक्सप्लेन किया होगा कि यहाँ पे दो दो चार और दो छह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एरोमेटिक हो गया, और ये भी दो दो चार दो छह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दोनों एरोमेटिक रिंग हो गया। और अगर एरोमेटिक रिंग हो गया तो एरोमेटिक रिंग क्या होगा? एरोमेटिसिटी तो स्टेबिलिटी होता है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे नहीं रहेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। किसमें? माइनस इस तरफ और प्लस इस तरफ। उल्टा भी कोई सोच सकता था, कोई ऐसे सोचता कि हम इसको तोड़ते हैं ऐसे, इसको तोड़ते हैं यहाँ पे प्लस और इसको तोड़ते हैं माइनस, तो इधर कितना हो जाता? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता और इधर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता, दोनों एंटी एरोमेटिक होता, ऐसे नहीं टूटेगा, समझ गए? ये बेसिकली क्या होगा, ये प्लस और माइनस ऐसे नहीं टूट के कैसे टूटा? ये इस तरीके से टूटा। तो ये वजह है कि ये कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक हो जाता है और ये कंपाउंड हाईली पोलर होता है। तो क्या पूछा है इसमें? देखो, 7 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, इसमें दोनों तरफ 5 मेंबर रिंग है। अब दोनों तरफ 5 मेंबर ब्रेक करके अगर हम देखते तो क्या होता है, इधर टूटता तो कैसा बनता है? यहाँ पे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, लेकिन जिस तरह प्लस बनता होगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाता, और इधर माइनस बनता होगा एरोमेटिक हो जाता, तो टूटने का फायदा नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल बिना आयोनाइज हुए रहेगा और ये मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएगा, समझ में आया? तो
आयोनाइज जगह, तो पहला वाला पोलर है और दूसरा वाला नॉन पोलर है, तो ऑप्शन अब चेक कर लो। सेकेंड हैज ए ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन वन, नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ सेकेंड इज लेस देन वन, वन इज मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट देन टू, है ना, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में, तो थर्ड ऑप्शन तो सही है, तो थर्ड ही आंसर है। समझ में आया क्या है? चलिए, तो सेकेंड तो अभी बना दिए, थर्ड बताओ तुम। क्वेश्चन नंबर थ्री, हो गया थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ वन मिथॉक्सी वन थ्री ब्यूटाडाइन इज लीस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किन किन बातों पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही सिंपल रूल है। क्या रूल है? पहला, वैलिड लिविस डॉट स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। पहले पॉइंट देखते हैं, दूसरा देखते हैं, वैलिड मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास 10 इलेक्ट्रॉन है कि 12 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा देखते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है और बॉन्ड डिसोसिएशन इंडोथर्मिक होता है, तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा भी है और पाई भी है, तो सिग्मा तो फिक्स रहता है ना हमेशा, ये फिक्स रहता है, जो भी बदलता है क्या बदलता है, पाई बदलता है, तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से अच्छा लिखना है मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तीसरा, तीसरा मान लो कहीं पे चार्ज है, पी डबल बॉन्ड है, न्यूट्रल है, और इसको तुमने कर दिया प्लस और माइनस, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, न्यूट्रलाइज होने की होगी, तो इधर से इधर होगा एक्सोथर्मिक और इधर से इधर होगा एंडोथर्मिक, कौन ज्यादा स्टेबल है? मोर स्टेबल है, तो सेपरेटेड चार्ज इज लेस स्टेबल देन न्यूट्रल सिस्टम। चौथा फिर क्या देखते हैं, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज एट स्मॉल, अपोजिट चार्ज सिमिलर चार्ज एट लार्ज डिस्टेंस, सिमिलर चार्ज एट लार्ज डिस्टेंस इज मोर स्टेबल, और एक और रूल क्या है? हाँ नहीं, यही रूल पांच यही तो होना चाहिए था, थोड़ा सा पहले होना चाहिए था। सेपरेटेड चार्ज न्यूट्रल वाला हो गया, और चौथा पॉइंट है पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड निगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। समझा दो तुमको। और पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है अपोजिट चार्ज एट अ स्मॉल डिस्टेंस एंड सिमिलर चार्ज एट लार्ज डिस्टेंस इज मोर स्टेबल। ये चार पांच रूल लगाते हैं तो सारा का सारा हो जाता है। लोन पेयर को हम लोग कैसे मानते हैं? लोन पेयर को हम लोग निगेटिव चार्ज मानते हैं, तो लोन पेयर के बगल में निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। चलिए, ये सब रूल लगाते हुए हम क्वेश्चन नंबर थ्री करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है? पाई बॉन्ड यहाँ वैलिड है क्या? देखो, इन वैलिड स्ट्रक्चर यही तो देखना होता है, जहाँ प्लस रहता है चाहे माइनस रहता है। जैसे ऑक्सीजन के पास कितना है बॉन्ड? तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड तो कौन सा होगा इसमें?
इन द फॉलोइंग टेक ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर लेवल द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है जो ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में देखो जरा, यहाँ तक तो कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है, दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, लेकिन निगेटिव चार्ज कार्बन पे है और ये निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, ये बेटर है। तो इन दोनों में तो सेकेंड है, तो सेकेंड सेकेंड सेकेंड, ये तो ऐसे गया काम। इन दोनों में दो पाई बॉन्ड है, यहाँ भी दो पाई बॉन्ड है, निगेटिव चार्ज कार्बन पे, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, सेकेंड और ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड वाले में यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बढ़ गया, दिख रहा है तुमको? अब देखना पड़ेगा कि ये इनवैलिड हो जाए। नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन होता है, एक निकला हुआ चार, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया है और दो डबल बॉन्ड में आठवीं इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, एक पाई बॉन्ड बढ़ गया। तीन दोनों में सेकेंड ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंड ज्यादा स्टेबल किस में है, तो गया काम से, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, यहाँ तक तो आ गया। अब लास्ट वाला चेक करना है, यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड कितना है, एक एक नहीं, एनओ टू में खुद ही छुपा है पाई बॉन्ड। एनओ टू ऐसे होता है ना, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ भी एनओ टू में पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, यहाँ भी दो दो पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पे छुपा लिया, दिखने में एक ही दिख रहा है, यहाँ भी दो पाई बॉन्ड है, यहाँ भी दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे था, यहाँ भी नाइट्रोजन पे है, तो निगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे था, इस कार्बन से शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, तो थर्ड सेकेंड ज्यादा सेकेंड ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट कौन सा, थर्ड आंसर हो गया, समझ गए? चलिए और हम एक दो चेक करते हैं। चलिए 18 नंबर कीजिए। कैसा होगा ऐसे बताओ? देखो इसमें भी दो पाई बॉन्ड, इसमें भी दो पाई बॉन्ड, इसमें भी दो पाई बॉन्ड, ये न्यूट्रल है, प्लस माइनस सेपरेटेड है, तो इनको छोड़ोगे तो अपने आप इसमें जाने की कोशिश करेगा, तो एक्स तो मोस्ट स्टेबल है। अब वाई और जेड में दोनों में दो दो पाई बॉन्ड, लेकिन इसमें प्लस है नाइट्रोजन पे, इसमें प्लस है ऑक्सीजन पे, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ऑक्सीजन, तो जेड तो कम स्टेबल हुआ ना वाई से, और माइनस वाले में भी ऐसे देख लोगे तो माइनस ऑक्सीजन तो बेटर होगा और प्लस नाइट्रोजन भी बेटर होगा। चलिए और देखते हैं। और कोई नहीं? चलिए तब उल्टा करते हैं 30 क्वेश्चन से। 30 30 में क्या है? C1H, C2H, C3H, C3H कार्बन का नंबरिंग दिया हुआ है। द होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर इज, देखो पहला टूटेगा तो फ्री रेडिकल बनता है कैसा, 3 डिग्री, दूसरा टूटेगा तो फ्री रेडिकल कैसा बनता है, 2 डिग्री,
और तीसरा टूटेगा तो फ्री रेडिकल बनता है 1 डिग्री। जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा वो टूटना बहुत आसान होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसका है? C1 वाले का, दिख रहा है तुमको? तो C1H वाले का सबसे कम बॉन्ड एनर्जी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में दिया हुआ है। और सबसे ज्यादा होगा C3 वाले का, तो C3 वाले का कौन सा है? यही तो है, फोर्थ आंसर हो गया। चलिए 29, द मॉलिक्यूल हैविंग लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, देखो ये तो जीरो है, इसका CCl4 का भी जीरो है, इन दोनों में देखना है तुमको किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ऑब्वियसली Cl वाले का ज्यादा होगा, Cl ज्यादा पोलर होता है किससे? आई से। तो यही आंसर है सही। 28 नंबर, द काइंड ऑफ डिलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। 27 नंबर, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन। ए बराबर है ना रेजोनेंस की वजह से। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन, ये तो बहुत आसान है। कौन सा? ए थर्ड मोस्ट स्टेबल होगा, थर्ड मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद फिर कौन सा है? सेकेंड, तब फिर फर्स्ट। चलिए 25 नंबर, विच इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। एंटी एरोमेटिक ऐसे बात है तुमको। एक तो साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस में ऑड का दुगना और इवन का दुगना, ऑड का दुगना और इवन का दुगना होने से मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाते हैं ना, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जानते हो ना, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में कुछ आएगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, जब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और कुछ आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी हाई होता है, बॉन्डिंग वाले का लो होता है। तो इवन वाले में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है, और ऑड वाले में किसमें रहता है? बॉन्डिंग में रहता है। तो ऑड वाला क्या रहता है? एरोमेटिक रहता है, और इवन वाला एंटी एरोमेटिक रहता है। साइक्लिक रेजोनेंस में इवन और ऑड का दुगना देखना होता है। इसमें कितना हो गया? ये देख रहे हो कितना है? 4 पाई। 4 पाई किसका है? इवन का दुगना है, 2 का दुगना होता है ना 4। यहाँ पे है 6 पाई। 6 पाई कितना है? 3 का दुगना है। ऑड को ऐसे 2n+1 से लिखते हैं ना, और इसका दुगना करोगे कितना हो जाएगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड का दुगना है। और क्या, बेसिकली हकल रूल बोलते हैं इसको। चलिए 24 नंबर, हाँ सी माइनस यहाँ से यहाँ आया और ओ माइनस पे चला गया तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 23 नंबर, अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड इसमें कितना? देखो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 और 2 4 हो गया, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक हो गया। और यहाँ पे कितना? 2 2 4, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है ना, 1 का दुगना है। और यहाँ पे कितना है? तो साइक्लिक रेजोनेंस से नहीं है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? ये नॉन एरोमेटिक है। बहुत बढ़िया। चलिए 22 नंबर, 22, 21, 20 और 19, 4 सवाल के लिए हम देते हैं तुमको 8 मिनट, जल्दी से करो। तो 19 तो आसान है ना, एरोमेटिक कंपाउंड वुड भी 2 2 4 2 6, और इसके ऊपर भी एक लोन पेयर है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे तो ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ये तो साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक। इसमें बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन को पास होने देगा, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक हो गया। और यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक है। तो बेसिकली तुमको एरोमेटिक पता करना था। 20 नंबर, स्क्वेरिक एसिड है, स्क्वेरिक एसिड डायन आयन है, यहाँ पे स्क्वेरिक एसिड डायन आयन है, 4 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ना यहाँ पे ओ माइनस यहाँ पे, तो निगेटिव चार्ज यहाँ से आया कहाँ? निगेटिव चार्ज इस पे आएगा तो इधर ओपन होगा, और होगा क्या कुछ रेजोनेंस?
हाँ होगा ना, देखो ना कैसे होगा। हाँ ऐसे होगा ना, देखो ना, ये पाइप बॉर्न यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, कैसे नाश्ता रहेगा, कितना होगा, चारों ऑक्सीजन पे अलग अलग बदल बदल के इलेक्ट्रॉन होगा, तो फोर आइडेंटिकल डिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू सीओ बॉन्ड लेंथ, नहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अलग है और सीओ बॉन्ड लेंथ अलग है, पर चारों सीओ बॉन्ड एक ही जैसा होगा और चारों सीसी बॉन्ड भी एक ही जैसा होगा क्या? ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया, वो बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ भी जा सकता था, देखो ना इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे तुमको आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गणित है जीओसी, और गणित बेस्ड ही ऐसा परीक्षा है आईआईटी ये सब, तो गणित तुमको आएगा, थोड़ा सा पकड़ बनेगा इस पे, तो इसका देखते हैं जरा सा कैसा कैसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने वाला है। देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं अलग एटम, इसको एक एटम मान लो, इसको दो मान लो, इसको तीन मान लो, इसको चार मान लो, इस ऑक्सीजन को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, इसको क्यू मान लो, चारों वहीं का, ये चारों एटम और ये चारों, ये आठों एटम वहीं का वहीं खड़ा रहने वाला है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है इधर उधर घूमने लगेगा। इसके बेसिस पे क्या होगा, कार्बन और कार्बन बॉन्ड कितने तरीके का है, कार्बन कार्बन बॉन्ड 1 2 1 4 4 3, 1 2 1 4 एंड 4 3 सिंगल बॉन्ड है, और 2 और 3 जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है ना, ये सब सिंगल बॉन्ड था कि नहीं। कार्बन कार्बन बॉन्ड 3 एक तरीके का है और चौथा डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड और चौथा डबल बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देखोगे तो 1x 4y, ये दोनों डबल बॉन्ड है, और 2z एंड 3u ये सब कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। मतलब यही, अगर रेजोनेंस ना होता तो दो तरीके का कार्बन कार्बन बॉन्ड होता और दो तरीके का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता, होता कि नहीं। बॉन्ड लेंथ कितने तरीके का होता है, डबल बॉन्ड अलग लेंथ का होता है, सिंगल बॉन्ड अलग लेंथ का होता है, यहाँ पे इसमें 3 बॉन्ड एक जैसा होता है और एक बॉन्ड अलग होता, मतलब कि स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ऐसा होता तो नहीं, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब हम बना के देखते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो क्या होगा देखना, ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, वो माइनस, अब देख रहे हो क्या, जैसा बॉन्ड पहले 2 3 था वैसा ही बॉन्ड अब 4 3 हो गया, मतलब कि 2 3 जैसा है वैसा ही 4 3 भी है, जैसा बॉन्ड 2 जेड था वैसा ही बॉन्ड अब 4 वाई हो गया, मतलब ये बॉन्ड भी दोनों एक ही जैसा है। अब एक बार और ऐसे घुमाएंगे हम इसको, एक बार और ऐसे घुमाएंगे तो ये तो डबल बॉन्ड रह गया, ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ माइनस, मतलब कि 1 4 बॉन्ड भी वैसा ही है कि नहीं, 1 4 बॉन्ड भी वैसा ही है, और फिर ये वाला बॉन्ड वैसा, ये भी सिंगल बॉन्ड रह सकता है, ये भी सिंगल बॉन्ड रह सकता है, ये भी सिंगल बॉन्ड रह सकता है और ये भी रह सकता है, अब क्या होगा बताओ तो, ये निगेटिव तो नहीं, और भी कुछ हो सकता है क्या, और भी कुछ हो सकता है बोलो, ये ओ माइनस यहाँ आया था तो यहाँ बना था, ऐसे उल्टा भी तो हो सकता था ना, ऐसे करते हम किसको ले जाते हैं यहाँ ऐसे करते, तो ऐसा भी तो बन सकता था, तो
ये डबल बॉन्ड हो जाता, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाता, ये वो माइनस होता, इधर वो माइनस होता, यहाँ डबल बॉन्ड होता। अरे ये डबल बॉन्ड चारों जगह घूम गया, मतलब चारों सीसी बॉन्ड आइडेंटिकल है, चारों ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी आइडेंटिकल है। अब आंसर करना आसान हो गया, फोर आइडेंटिकल रिजोनेटिंग, सब इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, तो इसका तो ये सही हो गया ना, वन सही हो गया। सीसी बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू सीओ बॉन्ड लेंथ है तो गलत है, थ्री नॉन आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है, लोकलाइज निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन वो भी गलत है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हो गया, 20 भी बन गया। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन दिस वन। एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है इंडक्टिव इफेक्ट से और हाइपर कंजुगेशन से, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ए इसमें देखो देखो कैसा है ए वाला दिख रहा है तुमको? अरे NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो न्यूट्रल है। Cl का प्लस एम इफेक्ट पे मजबूत होता है, कौन सा? माइनस आई इफेक्ट। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे होगा, सेकंड हाईएस्ट इस पे होगा, थर्ड इस पे होगा, फोर्थ इस पे होगा और सबसे कम इस पे होगा। 22 नंबर, Cn बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग, वन में तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, टू में डबल बॉन्ड है और थ्री में और डबल बॉन्ड है क्योंकि ये दूर तक रेजोनेंस जा रहा है, तो सबसे छोटा होगा थ्री में, सबसे बड़ा होगा वन में। तो पहला आंसर हो गया, समझ गए? 20, 19, 19 तो बना चुके हैं ना, उसके पहले 18 भी बना चुके हैं, 17 माइनस आई इफेक्ट। Which of the following false for order of minus I, fluorine, chlorine, bromine, iodine, तो ठीक ही है, ये साइनाइड ये चीज से ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ज्यादा होता है, पीएच और इसमें उल्टा हो गया ना, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एस पी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। चलिए ये तो फिर से वही सवाल आ गया, 15 नंबर, इन HCO माइनस द टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड के टायन इज। चलिए जल्दी से कीजिए, 14, 13, 12, 11, 10। तो कुल मिला के सवाल जो भी आ रहा है वो रेजोनेंस से रिलेटेड आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, कई बार बॉन्ड लेंथ भी आ रहा है, तो देखो
तुमने कुछ रूल पढ़ा होगा रेजोनेंस के लिए? रेजोनेंस कब कब होता बताओ तो? पाई बॉन्ड अल्टरनेट होने पे रेजोनेंस होता है, पढ़ा था। पाई बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे अगर लोन पेयर है तो भी रेजोनेंस होता है। पाई बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो भी होता है। पाई बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे निगेटिव चार्ज होता है तो भी होता है। पाई बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे फ्री रेडिकल है तो भी होता है। लेकिन अब मुझे बताओ यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या? जैसे मान लो कि ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे CH2+ है, होगा कि नहीं होगा रेजोनेंस? होगा। और ऐसे डायरेक्टर होगा? लेकिन यहाँ पे मान लो NH3+ है तो होगा कि नहीं होगा? इस रूल से तो फिट बैठ रहा है। हाँ? क्या है क्या है बेसिकली ये रूल सही नहीं है। असली रूल क्या है कि ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप होने वाला है वो एडजेसेंट एंड कोप्लेनर होना चाहिए। क्या एकदम प्राइमरी रूल? लोन पेयर हो, चाहे पाई बॉन्ड वाला हो, चाहे वैकेंट ऑर्बिटल हो, सब ऑर्बिटल ही अगर इनमें से कुछ भी एडजेसेंट हो गया एंड कोप्लेनर हो गया तभी रेजोनेंस होगा। एडजेसेंट एंड कोप्लेनर हो गया कुछ जलने का असर आ रहा है क्या? हाँ आ रहे हैं जलने का सर।